पंच तत्वों से निर्मित यह मानव शरीर अपने जीवन की तमाम सांसें लेने के बाद जब आत्मा से जुदा हो जाता है तो वह मिट्टी हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे पंच तत्व में विलीन करने के लिए अग्नि या मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। अगर इसी शरीर को देहदान के जरिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिसर्च एवं शिक्षा की गुणात्मक अभिवृद्धि में सहयोग के लिए दान किया जावे तो उसका सार्थक उपयोग हो सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर शहर की सोमनाथ कॉलोनी निवासी वे पत्रकार महावीर प्रसाद नटराज ने मंगलवार को अपनी शादी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी माताजी श्रीमती गीता देवी तथा पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी के साथ देहदान का संकल्प लिया। काटगढ़ रोड स्थित श्री ब्रह्मानंद धाम में सिटीजन काउंसिल ब्यावर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार नटराज परिवार ने नेत्रदान तथा देहदान के प्रेरक तथा दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा को देहदान के संकल्प पत्र सौंपते हुए समाज तथा परिवार के लिए एक मिसाल कायम की। सिटीजन काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कोविड प्रभावित शैलब टंडन ब्रह्मानंद धाम अध्यक्ष कान प्रकाश सिंघल, वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान, दिलीप जाजू, आरसी गोयल, पंचायत समिति सदस्य आनंद सिंह, जगदीश रायपुरिया, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया सहित गणमान्य नागरिकों में गीता देवी, महावीर नटराज तथा श्रीमती पुष्पा देवी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने नटराज परिवार की ओर से एक साथ 3 लोगों द्वारा देहदान की घोषणा करने को समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया। कनौजिया ने कहा कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है, इसके लिए मनुष्य के इरादे व हौसले मजबूत होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान हास्य कलाकार ओम महावर ने अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बात रखते हुए लोगों को खूब गुदगुदाया। इस मौके पर सिटीजन काउंसिल की ओर से दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा का भी माला पहनाकर स्वागत करते हुए उनकी ओर से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गोविंद शर्मा, राजेश शर्मा, भगवत दयाल सिंह, यतिन पिपावत, मयंक भारद्वाज, कुलभूषण उपाध्याय, संजय सिंह गहलोत, तरुण दादी, शशांक त्रिपाठी, कमल जलवानिया, दिलीप चौहान, मोमिन रहमान, गोविंद सिंह पंवार, नितिन शर्मा, मुकेश चौहान, विष्णु जलवानिया, मुकेश शर्मा, गोपाल दग्धी, वरुण साकला, नियामत अली, नौरतमल साकला, देवकीनंदन शर्मा, मूल सिंह राजपुरोहित, पार्षद अब्दुल मजीद कुरेशी, अजमत काठात, मनसुख भाई, राजू गुर्जर, सुरेंद्र सेन, ज्ञानचंद मेवाड़ा, हेमंत कमरिया, जितेंद्र शर्मा, रामप्रकाश करता, वारिस कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने देहदान करने वाले 3 सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। देहदान संकल्प के दौरान पत्रकार महावीर नटराज के परिवार के सदस्य पुत्र कुलदीप सोलंकी, चंद्रशेखर, रविशंकर, पुत्रवधु मनीषा, पुत्री शीला देवी, कीर्ति, भांजी शीला देवी, भानेज गौतम, बहन रेखा देवी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में किशन नटराज ने सभी आगंतुकों का परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया। इस नश्वर देह से आत्मा के जाने के बाद इसका कोई सदुपयोग नहीं है। मैं विगत करीब 3 सालों से इस देहदान को लेकर के प्रयासरत था। इन 3 वर्षों में देहदान संबंधी सारी आशंकाओं का निवारण होने के बाद में मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरे साथ 83 वर्षीय मेरे माता जी है, तो ये सामाजिक दायित्व भी मेरा ही बनता था। लेकिन इस पुण्य कार्य में मेरी माता जी ने और मेरी पत्नी ने मेरा दिल से साथ दिया, और इसके बाद मेरे परिवार ने, मेरे तीनों बच्चों ने, मेरे पुत्र वधु ने मेरी सहमति मिलाई, तब जाकर के काम संपन्न हो पाया। मैं मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पुत्र वधु का, मेरे भाई का, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये नेक कार्य करने में मेरा सहयोग दिया और मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे बड़े भाई महावीर जी एवं माता जी की ओर से जो ये निर्णय लिया गया है, मैं खुद भी हृदय से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे, इनके इस निर्णय से और भी कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देहदान अपने आप में एक महत्वपूर्ण और ऐसा दान है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अपने देहदान की इन्होंने घोषणा की है। ब्यावर के अंदर जब से हम समझने लगे हैं तभी से हमने देखा कि ब्यावर शहर में कोई ना कोई संस्था या व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे वो नेत्रदान हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे अन्य समाज से भी काम है। इस शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं की प्रेरणा से भी
ये काम करते हैं। आपने जो ये काम किया है महावीर जी ने, ये कोई कहने में आसान लगता है लेकिन हर कोई करता नहीं है। जैसी परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन जिससे इन कामों के बाद जिनको मतलब इसकी बदौलत जो जीवन मिलता है या जो लाभ मिलता है वो बहुत अद्भुत काम होता है।